देखते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ क्या बोल रहे हैं, रिसर्च करके मुझे उनकी बताइए बातचीत कि सुनते हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार जो 2014 में आई, वो 5 साल के काम करने के बाद वापस पूर्ण बहुमत की तरफ जाती हुई, ये प्रो इनकम्बेंसी वोट, ये जो लोग कहते हैं कि साहब कोई अल्टरनेटिव नहीं था, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने अपने आप को इतना ऊंचा उठा दिया कि उनके सामने खड़े रहने की औकात किसी की नहीं रही। मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि विपक्ष सेवा भाव पर आए, सेवा करे लोगों की, आरोप लगाने बंद करे। मैं देश के मतदाताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। अपोजिशन पूरी तरह से खत्म हो गया है, आपको लगता है कि संसद में आपको विपक्षी देखने को नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो काम करने का तरीका है वो अपने आप में बड़ा बैलेंस तरीका है। वो हर पहलू देखते हैं अपना निर्णय लेने से पहले, और सिर्फ इमीडिएट पॉलिटिक्स नहीं देखते, वो बहुत लंबी सोच रखते हैं और इसीलिए बैलेंस्ड निर्णय लेते हैं। और यही कारण है कि आज सबको विश्वास है, आज जाति धर्म पंथ सबसे आगे बढ़कर वोट मिल रहा है, हर प्रांत से वोट मिल रहा है जहां आज तक नहीं मिलता था। ये यही कारण है कि देर से आए पर दुरुस्त आए। इस देश में कम से कम ऐसे नेता तो आए जो इस देश को मजबूत बना सकते हैं। सर, इतना बड़ा जनादेश मिला है आपको लगता है, इतना बड़ा जनादेश मिला है आपको लगता है कि इतना बड़ा जनादेश मिला है आपको लगता है कि आपके लिए अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई है और ये आप लोगों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा? नहीं, निसंदेह जिम्मेदारी तो हमेशा रहती है। ये इतने बड़े देश के लिए काम करना और जो इतने सालों से जो पिछड़ा हुआ था उसके लिए काम करना, एक तेज गति से काम करना, इस देश की जो ब्यूरोक्रेसी है उस ब्यूरोक्रेसी की काम करने का ढंग में तब्दीली लेना, पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक बदलाव की जरूरत है और वो बदलाव का काम शुरू हो गया है। अब तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि बहुत तेज गति से हम आगे बढ़ेंगे। बोलिए थे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिनका ये कहना है कि पूरे देश का जो मैंडेट है वो इस बात। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर केंद्रीय मंत्री और अभी अभी एक बार फिर जीतकर संसद में पहुंचने की ओर अग्रसर होते हुए